वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब वो वक्त शो में जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमें यूट्यूब पर भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल झटपट कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपके सवालों के जवाब लाइव आपको शो पर देंगे। मैं भी आपके साथ यूट्यूब पर जुड़ी हुई हूँ, तो अपने सवाल मुझे भी भेजिए और हम आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। स्वागत करती हूँ गौतम काली, शेरखान में बीएनपी पारिबा से। समीर शाह हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर आपका, गौतम आपका, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आज जुड़े हैं। अच्छा, आप दोनों को भी बता दूं कि यूट्यूब पर दरअसल हमारे दर्शक हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं और अपने सवाल वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो कुछ सवाल जैसे ही वहां पर मुझे आए मैं आप दोनों को वो सवाल पूछूंगी और आप उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाइएगा। बहरहाल गौतम, आपके लिए आकाश चौधरी जो हमारे दर्शक है ना, उन्होंने अपना सवाल पूछना है। फोन लाइन पे वो जुड़ भी गए मेरे साथ। आकाश हाय, गुड इवनिंग, क्या हालचाल? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आकाश कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ मैम। जयपुर से बोल रहे हैं, ठंड खत्म हो गई वहाँ पे की हो रही है कड़ाके की? नहीं मैम, अभी है, पूरी खत्म नहीं हुई लेकिन कम जरूर हुई है। कम हो गई ना, बिल्कुल। दिल्ली में तो खैर काफ़ी बुरा हाल है। बहरहाल चलिए, आपके SIP की डिटेल्स हैं मेरे पास, HDFC। ये मुझे बताइए, आपने फंड हाउसेस के नाम जो दे रखे हैं इनमें आपने कौन कौन से फंड्स में SIP कर रखी है? HDFC स्मॉल कैप फंड है मैम, रेगुलर ग्रोथ। एक सेकेंड। और ओके, स्मॉल कैप है HDFC का, और टाटा ELS टेक सेवर फंड रेगुलर ग्रोथ प्लस, स्मॉल कैप HDFC, टाटा का ELS टेक सेवर फंड रेगुलर ग्रोथ प्लस, टाटा का ELSS है। ओके, और हाँ, और मैम मैंने NPS में भी इन्वेस्ट कर रखा है लास्ट 3-4 साल से, मैं NPS में। अब अगर मैं इन्फ्लेशन के हिसाब से वो उतना होता रहे मेरे को मंथली, मोर देन सफिशिएंट। चलिए, तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपको अभी की जितनी आपकी हर महीने का खर्च है उसको पूरा कर दे, ठीक है? ये आप चाहते हैं, और आपका एक कमाई का जरिया भी बन जाए आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, है ना? तो इसके लिए जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा हुआ है, अभी तो आपके पास होम लोन भी चल रहा है, उसकी भी EMI चल रही है, तो कितना आपको लगता है कि पर्याप्त होगा आपके लिए? मैम मैं सोचता हूँ कि 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़, 50 साल की हम बात कर रहे हैं, अभी तो आप मेरे ख्याल से 35 के हो जैसे बता रहे हो। चलिए ठीक है, ये सारा गणित ना हम गौतम के लिए छोड़ देते हैं। गौतम भैया बताओ, अब सारे कैलकुलेशंस करके फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे दिलवाओगे आकाश को? जी तो आकाश जी, देखिए, एक तो आप ऐसे करिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है HDFC स्मॉल कैप में है, दूसरा ELSS है, ELSS तो चलता है मगर HDFC स्मॉल कैप में है, उसको आप जरा लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर दें क्योंकि आपका अरसा थोड़ा लंबा है, या तो फिर स्मॉल कैप में अमाउंट रिड्यूस करके फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में आप एलोकेशन ले लें, तो HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया या ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हो गया, इसमें आप पैसा थोड़ा और डाल दें सिप के तौर पे। अब ये जो आप पूरा मूल्य जो आप बात कर रहे हो और हर साल हर महीने का जो सिप आप बात करें 10,000 का जो आप 15 साल के लिए करेंगे, ये सब गणित मैंने लगाया और अगर 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है और NPS में 10% मिलता है और आपके डायरेक्ट इक्विटी में 12% मिलता है, तो 15 साल के बाद ये कुल मिला के आपका कुछ 3 करोड़ के ऊपर वैल्यू बन जाता है, 3 करोड़ 10-15 लाख के आसपास बन जाएगा। तो अभी उसमें अगर आपने SWP लगा दी 50 साल की उम्र में, तो 7% के हिसाब से अगर आपने सिस्टमेटिकली उसको निकाला वो पैसे को, तो आप लगभग 1.8 लाख महीने का निकाल सकते हैं। अब 1.8 लाख जब आप सुनेंगे तो लगेगा बहुत पैसा है, मगर उसको मैंने फिर आज के रुपए की वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट कर दिया, मान के चला कि 5% इन्फ्लेशन है हर साल 15 साल के लिए, तो बाद में 1.8 लाख आज के 80-90 हजार के करीब पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, अगर आप ये करते रहे तो आपका पोर्टफोलियो 3 करोड़ के ऊपर बन जाएगा, जिससे आप फिर एक सवा मतलब 1.5 लाख के आसपास निकाल पाएंगे हर महीने का। तो ये मोटा मोटा गणित आप ध्यान में रखें,
बस आपका जो एक्सपोजर है अभी थोड़ा सा स्मॉल कैप में ज्यादा है, उसको कम करके थोड़ा या तो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप थोड़ा बायस और बढ़ा दे, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। काश झटपट फंड्स इनको और कितने ऐड कर लेने चाहिए और अपना निवेश कितना बढ़ाना चाहिए? गौतम आप बता दें तो मैं आगे बढ़ूं। यूट्यूब पे दरअसल दर्शक बहुत सारे सवाल छोड़ रहे हैं। गौतम बताइए। जी अगर ये 10% के हिसाब से अगर और बढ़ा पाए तो इनके लिए ज्यादा अच्छा है। वैसे तो इनको जो टारगेट करना है उसके हिसाब से तो इनका बन जाएगा, क्योंकि जैसे इन्होंने समझाया उनको 2 करोड़ टारगेट करना है और मैंने बोला ये गणित के हिसाब से तो इनका 3 करोड़ प्लस बन रहा है। ये ऑल द बेस्ट आकाश। और एक सवाल मैं आपसे लेती हूँ यूट्यूब का, उसके बाद मैं समीर से लूँगी। अशोक कुमार का एक सवाल है गौतम, और क्या स्मॉल कैप में निवेश SIP शुरू कर देनी चाहिए? ये इनका सवाल है। अशोक कुमार जी, मेरे ख्याल से आप एक ऐसे इकलौते दर्शक होंगे जिनके पास कोई SIP स्मॉल कैप में अब तक शुरू नहीं है, बिकॉज अब तक तो जितने भी दर्शक सवाल पूछते आए हैं सभी ने धड़ाधड़ स्मॉल कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं। तो बहरहाल ये वक्त SIP शुरू करने का है क्या गौतम? हर वक्त अच्छा है SIP शुरू करने का, मगर अगर आप पैसा डाल रहे हैं, निवेश कर रहे हैं पहली बारी, तो मैं ये कहूंगा कि लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में निवेश करिए। स्मॉल कैप सब रिटर्न देख के निवेश कर रहे हैं अभी, तो उसके वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है, वो आप शायद झेल ना पाए। अगर नीचे गिरा तो आप गलती कर बैठे और आपने 3 महीने के बाद पैसे निकाल लिए, तो ये सब हम बहुत देखते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप की तरफ निवेश करिए, या तो पोर्टफोलियो बना दीजिए 3-4 फंड का, जिसमें आपका स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर है और लार्ज कैप का भी एक्सपोजर है। मगर सिर्फ अशोक एक कुमार फंड जी, सिर्फ स्मॉल कैप में मत हाँ करिए। हाँ हाँ एक फंड का नाम भी बता देंगे गौतम? तो जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप हो गया, वो सिर्फ लार्ज कैप पे फोकस करता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, वो सारे कैप्स में पैसा डालता है। तो ये 2 फंड ऐसे हैं जिससे आपका कोर पोर्टफोलियो बन सकता है। उसके साथ आपने टाटा स्मॉल कैप फंड ऐड कर दिया तो आपका स्मॉल कैप एक्सपोजर भी हो गया। तो ऐसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए अजीम खान और स्वराली आपके भी सवाल मुझे पूछने हैं, लेकिन इस बीच राजेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो समीर से अपना सवाल पूछेंगे। नमस्कार राजेंद्र साहब, मेरे ख्याल से इनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, हम इनको फिर ट्राई करेंगे। तब तक समीर सवाल है इनका, 30,000 की मंथली SIP कर रहे हैं और टारगेट है इनका मेरे ख्याल से 1 से 1.5 करोड़ का 10 साल में। 25 लाख लमसम भी इनको करना है और सिर्फ स्मॉल कैप में करना है और सिर्फ मिड कैप में करना है ये लमसम। हमारे साथ ये फ़ोन लाइन पर फ़िलहाल थे लेकिन इनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि बात हो जाए। बहरहाल बताइए क्या रणनीति हो इनके लिए? कविता जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे आपके शो में आमंत्रित किया। अब राजेंद्र जी का सवाल है जिसको लेके मैं बात करता हूँ। 30,000 रुपीज उनको हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है। अब सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर 30,000 का SIP हम अगर अगले 10 साल के लिए करते हैं तो वो 69 लाख रुपीज के करीब का फंड इकट्ठा कर पाएंगे। अब उनको 1 से 1.5 करोड़ चाहिए, तो यहाँ पे सिनारियो दूसरा ऐसा बनेगा कि जहां पे वो SIP का अमाउंट 30,000 की जगह बढ़ा के 66,000 करेंगे तो 10 साल में वो 1.5 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे। दूसरा सिनारियो ऐसा बनता है जहां पे वो SIP अमाउंट 30,000 ही रखेंगे, बट 10 साल की जगह अगर वो अवधि बढ़ा के 15 साल करते हैं तो वो आराम से 1.5 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे। अब यहाँ पे उनके क्वेश्चन में ये भी था कि टाइम पे ओवर वैल्यूड है, ज्यादा लाइक नो रिस्की कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा सजेशन भी यही है कि रादर देन लाइक नो गोइंग 100% आपको स्मॉल कैप मिड कैप में डालने की जगह हम सजेस्ट करेंगे कि आप STP वाला रूट लो, रादर देन लमसम STP करो। STP से फायदा क्या होगा, अगर शॉर्ट टर्म में कुछ भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है तो उसको हम बैलेंस कर पाएंगे, वॉलेटिलिटी को एड्रेस कर पाएंगे। अब उनका क्वेश्चन था कि लमसम करना है तो कौन से फंड सेलेक्ट करने चाहिए। तो लमसम के लिए हमारे पास आपको सजेस्ट करने के लिए स्मॉल कैप के लिए 2 फंड है। क्वांट का स्मॉल कैप सेलेक्ट कर सकते हो या निपोन का स्मॉल कैप ले सकते हो, और मिड कैप के लिए आप ले सकते हो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप या निपोन इंडिया का ग्रोथ फंड। ये 2 में से आप फंड सेलेक्ट कर सकते हो या चारों चार फंड सेलेक्ट कर सकते हो।
अब प्रोपोर्शन की बात करें तो अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है, 10 साल का अवधि निवेश है, तो हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो स्मॉल कैप में 65% इन्वेस्ट करो और मिड कैप में 35%। अगर रिस्क थोड़ा कम करना है तो आप मिड कैप में 65% इन्वेस्ट करो और 35% बैलेंस स्मॉल कैप में करो। अब SIP के लिए, 30,000 की SIP के लिए हम यहाँ पे आपको लार्ज कैप में से ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप सजेस्ट करेंगे। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड सजेस्ट करेंगे। बैलेंस एडवांटेज HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड सजेस्ट करेंगे बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी से। और मिड कैप में हमारा सजेशन रहेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, और स्मॉल कैप में क्वांट स्मॉल कैप क्वांट का स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सजेशन ये रहेगा हर फंड में आप 6,000-6,000 रुपए का SIP करो, क्योंकि आपके पास 10 साल का अवधि है, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मीट योर टारगेट। जो 1.5 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है वो हासिल कर पाएंगे। चलिए, मेरे ख्याल से समीर आपने काफ़ी विस्तार से इनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की। राजेंद्र जी, मुझे उम्मीद है कि आपने सलाह समझ ली हो। नहीं तो ये जो शो है हम सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, यूट्यूब पर बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के सारे शोज आप देख सकते हैं। सलाह मिस कर दी हो तो वहाँ से भी आप सलाह सुनकर नोट डाउन कर सकते हैं। रुकती हूँ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार है, खासतौर से यूट्यूब पर दर्शक जो भी हमारे साथ हैं, अजीम और स्वराली, आप वेद और आपके सवाल जो हैं इस ब्रेक के बाद में लेने वाली हूँ। हमारे साथ जुड़े रहें। तमाम दर्शक जो देख भी रहे हैं इस वक्त अपने सवाल पूछ सकते हैं, पे अपने सवाल हमें भेज रहे हैं। जितना हो सकता है हम अब इस आखिरी पड़ाव में यूट्यूब के सवालों पर फोकस करेंगे, लेकिन वो दर्शक जिनके सवाल आज हम नहीं ले पाए, कल हमारी पेशकश में आपके सवालों को, आपके सवाल क्योंकि नोट डाउन कर लिए हैं तो कल की हमारी पेशकश में आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। समीर के पास जाऊंगी मैं। समीर, हमारे जो अभी यूट्यूब के दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, अजीम खान, उन्होंने एक फंड को लेकर सवाल पूछा है आपसे। ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड कैसा है, इन्हें 2 लाख रुपये लमसम निवेश करना है इसमें। समीर, पहले अजीम खान से ये कहूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटी में आप निवेश कर सकते हो अगर आपकी अवधि लंबी है यहाँ से, तो 2 लाख रुपए निवेश करना है और आपका टाइम होराइजन लंबा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप कंटिन्यू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अजीम, आपको थम्स अप है, आप निवेश कर सकते हैं। स्वराली वाडिकर का सवाल, गौतम आपके पास मैं लेकर आऊंगी। इन्होंने SIP कर रखी है एक्सिस के स्मॉल कैप में, कैनरबेको के ब्लू चिप में, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में, HDFC के मल्टी कैप में, और कह रही हैं कि 14 साल तक ये निवेशित रहेंगी इसमें। ठीक है, क्या सलाह होगी इस फंड मिक्स को लेकर स्वराली के लिए? गौतम सॉरी, आप एक बारी फिर से फंड के नाम बताएंगे, मैं एक एक जी करके मैं आपको बताता फंड हूं। के नाम बताती हूँ। जी 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 एक्सिस का स्मॉल कैप है इनके पास। तो एक्सिस के स्मॉल कैप की जगह टाटा का स्मॉल कैप हम प्रेफर करते हैं। ओके, कैनरबेको का ब्लू चिप है। कैनरबेको का ब्लू चिप में कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप भी देख सकते हैं, वैसे तो ठीक है। ठीक ठीक है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप कोई दिक्कत नहीं है। HDFC मल्टी कैप, हाँ ठीक है। HDFC मल्टी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप, ठीक है ठीक है। 14 साल के लिए इन फंड्स में ही रुक सकती है ना? 14 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक सकते हैं। बस इनका एलोकेशन समझना पड़ेगा, कौन से फंड में कितना पैसा डाल रहे हैं। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि काफी लोग स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा ले रहे हैं, वो कम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद का सवाल मैं लूंगी। समीर आपके पास आऊंगी। अगले 6 महीने में समीर इन्हें 70 लाख रुपए निवेश करने हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में कहाँ कैसे इसको डिवाइड किया जाए? मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है ये वेद, जितना मुमकिन हो सकेगा समीर आपकी सहायता करेंगे, वरना मैं तो आपसे गुजारिश भी करूंगी कि अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी हमें भेज दें। वेद, फिलहाल समीर 70 लाख 6 महीने में। कविता, मेरा यहाँ पे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये 70 लाख उनको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म पास इन्वेस्टमेंट के नहीं लिए है, जाना है तो लेकिन हमारा मेरे ख्याल से जी हमारा जी सजेशन ये रहेगा, हाँ सॉरी, हमारा सजेशन ये रहेगा कि अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में है तो डेट साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे पहला।
अगर ये लेवल पे लमसम इन्वेस्ट करने का मैं सजेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पे हमें एसटीपी का रूट अडॉप्ट करना चाहिए। एसटीपी में अगर इक्विटी की साइड जाते हो तो लार्ज कैप फंड में आप निपॉन का लार्ज कैप ले सकते हो। मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड हमारे एंड से सजेशन है। फ्लेक्सी कैप में अगर आप फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, और स्मॉल कैप में क्वांट का स्मॉल कैप फंड में हम निवेश करने की सलाह देते हैं। ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत नहीं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है, तो एट मैक्स 6 फंड से ज्यादा सिलेक्ट ना करें। झटपट गौतम आपके पास मैं आऊँगी, और प्रवीण हरियाणा से अपना सवाल, इनका जो हैंडल है यूट्यूब का माही इन्फोटेनमेंट के नाम से है, हालांकि इनका नाम प्रवीण है। गौतम SIP कर रखी है एक्सिस के ELSS में। जी, तो टैक्स सेविंग के लिए अच्छा है। अगर ELSS के ऑप्शन बताऊं तो ICICI प्रूडेंशियल टैक्स सेवर फंड हमें ज्यादा पसंद है, तो उसमें वो वी वुड प्रेफर कि अगर वो उसमें देखें, अदरवाइज ELSS में SIP करना अच्छा अच्छा आइडिया। ठीक है, और भी फंड है गौतम इनके, गौतम और भी फंड है, HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटी वो भी अच्छा है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है, कोटक का स्मॉल कैप है और क्वांट का स्मॉल कैप भी है। हाँ, वो दोनों फंड्स अच्छे हैं, कोई कोई दिक्कत ठीक नहीं है। ठीक मगर वही है कि एक्सपोजर अभी ज्यादा स्मॉल कैप की तरफ हो रहा है लोगों का। हाँ, मैं वो तो क्लियरली दिखाई दे ही रहा है। एक आखिरी सवाल समीर आपके पास मैं आऊंगी, आखिरी सवाल है शबनम खन्ना जी का, मैं लेना चाहती हूँ। शबनम जी आपका सवाल हो सकता है थोड़ा सा, हम अभी फिलहाल समय खत्म हो गया तो जल्दी मैं ले लें, लेकिन अपना सवाल आप व्हाट्सएप भी कीजिएगा मैम। समीर ये 61 साल की हैं, रिटायर्ड हैं प्राइवेट स्कूल से, कोई पेंशन नहीं है, इन्हें लमसम निवेश करना है 8 से 10 साल का। तो मेरे पास बहुत डिटेल्स नहीं है क्योंकि उन्होंने यूट्यूब में बस 2 लाइन में अपना सवाल पूछा है। समीर कैसे आप इनकी सहायता कर सकते हैं, ये बहुत जोखिम तो वाकई नहीं उठा पाएंगे इस राशि से। आप कविता जी, यहाँ पे हम उनको जोखिम वाला फंड सजेस्ट भी नहीं करेंगे। 61 साल का है, इनका इनकम ऑलमोस्ट सोर्स ऑफ इनकम ये एज पे आते आते खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा सजेशन ये रहेगा कि वो डेट साइड पे एक्सपोजर ज्यादा ले। डेट में भी अभी जो हिसाब से इंटरेस्ट रेट एक लेवल पे आके पिकआउट हो गए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले ये फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल बचे हुए फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर में RBI रेट कट कर सकती है। तो डेट फंड के साइड उनको शॉर्ट टर्म डेट फंड में रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। सेकेंड, लुकिंग एट दी एज, हम यहाँ पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड उनको सजेस्ट करेंगे। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर रहता है, 85% डेट साइड रहता है, 15% के करीब इक्विटी रहता है। तो और एवरेज रिटर्न अराउंड 10% के करीब, यानी डबल डिजिट तक रिटर्न निकल सकते हैं। जो हिसाब से इंटरेस्ट रेट नीचे आने का हम उम्मीद लगा रहे हैं, वो हिसाब से नीचे आ सकता है, तो रिटर्न अच्छा निकलेगा। तीसरा जी उनका सजेशन, हमारा सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पे वो लमसम की जगह एसटीपी ही करे। अगर डेट ओके साइड जा रहे हैं तो लमसम करें, और जी इक्विटी साइड जा रहे हैं तो एसटीपी के थ्रू हाँ करें। और उनको बिल्कुल सजेशन है इक्विटी में एक्सपोजर ना लें। बिल्कुल, और मैं तो ये भी चाहूंगी शबनम जी, अगर आप शो इस वक्त देख रही हैं, मुझे सुन पा रही हैं, तो अपने सवाल को विस्तार से एक बार भेजिएगा, कितनी वो राशि है, कितने समय तक आप लमसम निवेशित रहना चाहती हैं। बहरहाल समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है, गौतम आपका, समीर आपका, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद जो ये शो देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो यही चाहती हूँ कि यूट्यूब पर हमें लगातार देखते रहें, अपने सवाल जितना हो सके आप भेजें ताकि आपके सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें और आपकी आर्थिक जिंदगी को आसान बनाए। नमस्कार।